आपने खेव का अच्छा बहुत तो ऑनलाइन से अच्छा ओके अच्छा अंदर टाइम दे भाई ना ठीक हेलो आपके फोन सबके साइलेंट मोड पर है आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं ईशान इटली से होके ऑल इंडिया राइज 248 को थोड़ा सा तालियां भी बजा दीजिए लास्ट उसका लेक्चर सुना था अगस्त में जो वापस ईशान इस साल का मेंस किया है और बेटर रहे इसके साल उसका था 248 राइज फाउंडेशन से लेके रेगुलर बैच तक अपने बहुत हार्डवर्क करके बहुत मेहनत करके ईशान ने एग्जाम क्रैक किए तो मेन्स इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका जो आंसर राइटिंग है तो मेजरली ईशान मेंस का आंसर राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट नाउडेज इन द यूपीएससी ओके तो इसके बारे में ईशान ज्यादा बात करेगा मेंस हाउ टू राइट द मेंस की जो आंसर राइटिंग है और बाकी प्रीलिम्स का तो उसके पास बहुत अच्छे टेक्निक्स है वो तो बताए गए ओके और भी आपके कुछ डाउट्स है प्लानिंग है स्ट्रेटेजी है टाइम टेबल है जो भी आपको पूछना है आप ईशान से पूछ लेना ओके बंदे ने बहुत सारा मेहनत की आपके परेशानी से चल रही होगा ओके सो एंजॉय द लेक्चर ऑल द बेस्ट ओके थैंक यू सर यस थैंक यू वेरी मच सो गुड आफ्टरनून एवरीवन सो यस सो हाउ मेनी ऑफ योर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड एमपीएससी एमपीएससी कौन कौन आए अच्छा एंड यूपीएससी ओके नाउ ऑन एमपीएससी एंड यूपीएससी आई गेस सेम झाल्यामुळे दोघेही दोघांचे एक्सपिरियन्स आहात सो एज सर सेड दॅट आन्सर रायटिंग इज गोइंग टू बी व्हेरी क्रुशियल फॉर बोथ द एक्झाम्स बोथ एमपीएससी एज वेल एज यूपीएससी युअर मेजर चंक इज डिसाइडेड बाय आन्सर रायटिंग सो In this lecture, mainly I'll talk about the how you should approach the answer writing. I'll give a brief overview, and after that we can open the floor to the questions. Then you can ask me not just about the answer writing part, but also anything or any doubt that you have. Please try to get it clear. The ऐसा नहीं कि आप घर जाते वक्त कुछ मन में doubt लेके जा रहे हो. वो मत करो. Feel free. कितना भी आपको लगे फालतू डाउट पूछो बिंदास पूछो बिकॉज वॉट इज इम्पोर्टेंट इज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन द राइट मैनर अगर आपका वो मन में ये रहा कि ये करूँ वो करूँ ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए यू वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन सो माई गोल हियर इज टू हेल्प यू टू गाइड ऑन द राइट पाथ जो मैंने मिस्टेक्स किए आई वॉन्ट यू गाइज टू अवॉइड आई वॉन्ट यू टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन सो दैट यू डोंट कमिट इट इन योर फ्यूचर अटेम्प्ट्स ओके So we'll start with a brief overview of answer writing and then we can ask all your doubts. Okay. So kitne logon ne answer writing chalu kar di hai? Yes, baki ek to answer dikha hai sir. Okay, dikhe. Okay, so I hope ki aap log ka aisa kuch plan nahi hai ki like बेस्ट आंसर सीधा यूपीएससी एग्जाम में ही लिखना है पहली बार ओके सो स्टार्ट योर आंसर राइटिंग जर्नी एज सून एज पॉसिबल
क्योंकि कैसे कि यू विल नीड टू मेक मिस्टेक्स, एक 100 बुरे आंसर लिखने पड़ेंगे तब जाके एग्जाम में पहली बार अच्छा आंसर निकलेगा. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आपका जैसे ही पढ़ाई थोड़ा हो रहा है यू आर गेटिंग अ कमांड ऑन द सब्जेक्ट, यू कैन स्टार्ट विद द आंसर राइटिंग प्रोसेस. आपको ये नहीं करना है कि आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर दो कि कुछ पढ़ाई नहीं और आप सीधा आंसर लिखने जा रहे हो, वो भी नहीं करना है. बट एट द सेम टाइम बहुत टाइम तक रुकना भी नहीं, बिकॉज कैसे हो जाता है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हो यू अंडरस्टैंड कि जो आप पढ़ रहे थे आपको समझ रहा है या नहीं. आपको एक ओरिएंटेशन मिलता है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिलता है कि आपको किस वे में पढ़ाई करनी है. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आंसर राइटिंग. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम जैसे भी बात कर रहे हैं आप यूपीएससी एग्जामिनर से बात नहीं कर पाओगे. जो भी है वो आंसर शीट है, जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपका ये है, आपको वो आंसर शीट पे रिफ्लेक्ट करना. आपको कितना भी आता होगा बट अगर वो आंसर में नहीं दिख रहा इट्स ऑफ नो यूज. अगर कुछ भी नहीं आता और आंसर में दिख रहा है तो बहुत बढ़िया है, बट ये जनरली होना पॉसिबल नहीं है इन दिस एग्जाम. सो उसके लिए यू हैव टू बिगिन विद आंसर राइटिंग. ओके नाउ सो बिगिन तो करना है, किससे बिगिन करोगे? व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर आंसर राइटिंग? कंटेंट. ओके और ठीक है, कंटेंट किसका लिखोगे? इंट्रोडक्शन किसका दोगे? क्वेश्चन. सबसे पहले आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड. क्वेश्चन में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द डिमांड. यूपीएससी का एग्जाम आपके ग्रेजुएशन जैसा नहीं है, पेजेस भर दे और मार्क्स मिल गए. तो यहाँ पे यू हैव टू राइट एज पर द डिमांड. सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड. सो हमेशा जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर रहे हो स्पेंड सम टाइम विद द क्वेश्चन. ऑल्सो विद इन द एग्जाम भी बहुत बार लोग यही करते हैं कि आंसर लिखना चालू कर देते. टू बी ऑनेस्ट आई हैव बीन इन दैट. चार बार मीन्स देखे कि जब 8-10-15 सेकंड हो जाते हैं ना आप कुछ लिखना नहीं स्टार्ट करते, दिमाग अंदर से भाई लिख कुछ भी लिख बट लिख. सो आई नो दैट फीलिंग. सो उसके लिए आपको पहले ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ताकि डिफॉल्ट वे में आपको क्लिक करना चालू हो जाए कि क्वेश्चन पे किस चीजों पर फोकस करना है, कैसे करना. सो इन क्वेश्चन डिमांड यू नीड टू फोकस ऑन द की थीम्स आस्क्ड. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द tone or the context of the question and the tail words. What are the tail words? Anyone? There are keywords and then the words that sort of up before and after. Exactly. So you have words like discuss, comment, analyze, critically comment. ये सब जो words हैं ये आपको समझने में help करेंगे कि आपको answer किस direction में लिखना है. So आपको इन तीनों चीजों पे focus करना है कि पूछ क्या रहे हैं, क्या क्या चीजों को पूछा गया है, देन किस कंटेक्स्ट में पूछा गया. अगर टोन पॉजिटिव है और एक आपको टेल वर्ड मिल रहा है लाइक एलुसिडेट वगैरह या एलैबोरेट, तो आपका आंसर भी मेनली पॉजिटिव में रहेगा. आप वहां पे उसको क्रिटिसाइज करके नहीं आ सकते. तब अगर टोन लाइक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंडिया में कैसे टॉलरेंस काफी टाइम से फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द प्रेजेंट टॉलरेंस हैज बीन अ की कंपोनेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको बोला एलैबोरेट, आप वहां पे नहीं लिखे नहीं भाई पूरा इंटॉलरेंस है, कुछ है ही नहीं इंडिया. ओके वो आमिर खान का इंटरव्यू नहीं देना. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोन एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट इज आस्क्ड. एट द सेम टाइम क्या थीम्स है वो पकड़ने हैं, उन थीम्स के बीच में इंटरलिंकेजेस करने. इन यूपीएससी के एग्जाम में आपको सिर्फ एक थीम पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इट वुड बी अ मल्टी डिमेंशनल क्वेश्चन. The main difference between your graduation exam and the UPSC is the quality of the question or the nature of the question. In UPSC, they will try to ask you applied knowledge. Okay, so पहले आपको question समझना. अब question समझने के लिए आपको पहले a bunch of ये लगेंगे questions. वो कहाँ से आएंगे? PY. So second thing you have to do is understand the syllabus. Yes. PYQs. This is the basis on which you have to base your entire preparation upon. आपको समझना पड़ेगा कि syllabus में क्या क्या topics दिए हुए हैं, उन topics का आपको relative importance समझना पड़ेगा. Okay? At the same time, वो आपको समझने में help क्या करेगा? PYQs. You have to understand कि कौन से theme पे कितने questions आ रहे हैं, किस theme का क्या priority रहना चाहिए.
कोई थीम है उस पे 4 साल में एक क्वेश्चन आया है, कोई थीम है जिसपे हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इन एनी हाउ आपको सेकेंड वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। आप ये नहीं, मेरे को पहला वाला पसंद आता है मैं वही पढ़ते बैठू, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जाम, बिकॉज योर गोल इज नॉट जस्ट टू कलेक्ट नॉलेज बट टू क्रैक द एग्जाम, सो यू हैव टू ओरिएंट योर स्ट्रैटेजी एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जाम, ठीक है। सो सिलेबस और PYQs प्लीज अच्छे से करना, गिव टाइम टू दैट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में जाने के पहले आप देख रहे हैं सिलेबस में ये भी टॉपिक था, ये नहीं होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रिपरेशन हुआ है या नहीं, उसको सिलेबस से ही समझेगा। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स GS1 में, क्या क्या आते हैं सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या क्या कंपोनेंट्स है, सो यू हैव मॉडर्न और मिडिवल है, एंशियंट है और आर्ट एंड कल्चर है, और हिस्ट्री में और क्या है, और दो टॉपिक्स है, यू हैव वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। सो इन हिस्ट्री इटसेल्फ यू हैव आर्ट एंड कल्चर, तो आपका आर्ट एंड कल्चर एंशियंट मिडिवल अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन ज्यादा करके आर्ट एंड कल्चर से पूछ रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री से क्वेश्चन कम है, तो आपको इसके ऊपर फोकस करना है। Then you have modern, you have post-independence and you have world. इसका मिला के एक दो साल में एक हाथ क्वेश्चन आता है, सो इसका इंपॉर्टेंस कम है, इसका ज्यादा है, तो आपको जब आप टाइम भी दे रहे हो आपको टाइम उस वे में देना है। Then you have to go through syllabus के आर्ट एंड कल्चर में किन चीजों पे फोकस करने को कहा है, मॉडर्न पे किन चीजों पे करने को कहा है, सो ऐसा आपको हर टॉपिक के लिए करना पड़ेगा। You would, yeah, please. So you would need to have a bunch of topics, क्योंकि वो list down करना पड़ेगा आपको कि हमें को ये चीजों पे focus करना है। So after this lecture, I hope you will go back to the syllabus and try to deconstruct it. Spend some time with the syllabus and understand the topics क्या क्या है, आपके कितने topics हो चुके हैं, कितने topics बचे हैं, वो समझिए। Okay? इसके बाद आता है PYQs कि आर्ट एंड कल्चर पे क्या question पूछा है, मॉडर्न पे क्या question पूछा हुआ है, वो आपको समझना पड़ेगा, और क्या आप वो क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे, बिकॉज आपने पढ़ा तो है बट वो पढ़ाई अगर आंसर में ट्रांसलेट नहीं होगी तो इट वोंट वर्क, सो आपको वो भी करना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट जो आपका रिविजन है या नेक्स्ट रीडिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा कि कैसे रीओरियंट करना है टू आंसर द क्वेश्चन, आपके जो भी पढ़ाई में गैप्स होंगे आपको वो फुलफिल करने पड़ेंगे, प्लस आपका जो नोट मेकिंग होगा दैट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर आंसर राइटिंग, बिकॉज आप नोट्स किस चीज का बनाओगे, आपको सिर्फ एक बुक को कंप्रेस नहीं करना है, आपको जाके जेरोक्स शॉप पे उसको बेचना नहीं है, यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके नोट्स आपके लिए बने हैं, दोज आर पर्सनलाइज्ड, आपके जो चीजों की जरूरत है व्हाट शुड बी इन द आंसर्स और व्हाट विल हेल्प यू इन आंसर दोज क्वेश्चन, उस हिसाब से आपके नोट्स बनने चाहिए। ओके, सो ये आप एक बार कर दोगे यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या क्वेश्चन पूछती है UPSC, कैसे टाइप से पूछती है, पढ़ना कैसे। Once this is done, then you can begin your answer writing. Duster. तोड़ बोड़ दोगे कुछ? So, एक बार फिर क्वेश्चन समझ गया, देन यू विल स्टार्ट योर आंसर राइटिंग प्रोसेस। अभी इसमें क्वेश्चन समझ गया, अब क्या करोगे इसके बाद, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, ब्रेनस्टॉर्म। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग या स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग में आपके दो चीजें आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा कंटेंट एज यू राइटली सेड, एंड सेकेंड वुड बी योर प्रेजेंटेशन और हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट कंटेंट। यूपीएससी में कैसे हो जाता है, एक ब्लैंक पेज होगा, एवरीवन नोस, एंड ऐसे मार्जिन्स होते हैं, आर नॉट सपोज टू राइट विद इन द मार्जिन्स। सो ये यूपीएससी का पेपर का पैटर्न होता है, फॉर 10 मार्कर यू विल गेट 2 पेजेस, फॉर 15 मार्कर यू विल गेट 3 पेजेस, दिस इज 150 वर्ड्स, दिस इज 250 वर्ड्स। ओके, ये एक ब्रॉड
आउटलाइन है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरिंग में पहले देखना है कि क्या क्या आपको कंटेंट डालना है इस आंसर में। एट द सेम टाइम आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे क्या लिखोगे कि क्वेश्चन। सो इट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन कम आंसर बुक। पहले ही क्वेश्चन दिया है और लाइक 10 मार्कर में थर्ड पेज पे नया क्वेश्चन प्रिंट हो चुका होगा, सो आप वो एक्सटेंड नहीं कर सकते, आपको वो दो पेज में ही लिखना। तो वहां पे फिर आपको देखना है कि आपका इंट्रोडक्शन कहाँ पे आ रहा है, बॉडी कहाँ पे आ रहे हैं, आप कौन सा सब पार्ट किधर लिखोगे, आप डायग्राम बना रहे हो तो कहाँ पे बना रहे हो, आप डायग्राम बना रहे हो तब उसको बॉक्स कर दो या ऐसे करके बॉक्स कर दो, उसको लेबल कर दो फिगर करके। ये सब आपको चीजें पहले ही सोचनी है बिकॉज जो मार्किंग होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल। अगर एक 10 मार्कर में दो सब अगर एक 10 मार्कर में अगर दो सब पार्ट्स है तो दोनों सब पार्ट्स के कुछ मार्क्स होंगे, मे बी वो इक्वल हो सकते हैं, मे बी कुछ प्रोपोर्शन में होंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि एक ही सब पार्ट आपने इतना अच्छा लिख दिया कि दूसरे सब पार्ट का भी उन्होंने मार्क्स दे दिया आपको फ्री में, ये नहीं होगा। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर एबल टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। आप जितना ब्रेक डाउन कर पाओगे उतने आप सब पार्ट्स को बेटर वे में अप्रोच कर पाओगे, प्लस आप भी आंसर पिन पॉइंटेड लिखोगे। अगर मैं आपको एक पेज लिखने बोलूँ आप एक पेज पे जितना पता है उतना लिखोगे, अगर मैं तीन पेज लिखने बोलूँगा आप कहानियां लिखोगे, बिकॉज वो डिफॉल्ट सेटिंग है। ओके, सो वो नहीं करना है अपने को। सो यू हैव टू ऑल्सो हैव अ हैबिट कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो आप कंटेंट के साथ साथ ये भी सोच रहे हो कि वो कंटेंट को मैं कहाँ पे कैसे कैसे फिट करने वाला हूँ। ओके, इसके बाद फिर कंटेंट आएगा, या कंटेंट में भी सबसे पहले तो आपको इसके बाद इंट्रोडक्शन आप दोगे। ओके, सो आपने सोच लिया कि ओके क्वेश्चन का डिमांड क्या था, उसके हिसाब से यू डिसाइडेड कि उसका ब्रेकेज कैसे होगा, देन यू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। नाउ व्हाट कैन बी द टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन? ओके, वन इज डेफिनेशन, कोट इज देयर, और क्या इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? करंट अफेयर्स, राइट। और गाइस एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव। ओके, बस क्वेश्चन को पूरा वापस देख के बिकॉज मत करते वो नहीं करना है। एक्सप्लेन यू कैन गिव कि अगर से ज्योग्राफी का कोई होगा या साइंस का कुछ होगा एंड यू वांट टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट तो आप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ डेटा दे सकते हो, फैक्ट्स एंड डेटा, प्लस आप मे बी रिपोर्ट्स भी दे सकते हो। कोर्ट में अगेन यू कैन ऐड या अलग ही कर दो, यू कैन गिव एन एक्सपर्ट ओपिनियन। कोर्ट बस जब भी दोगे मेक श्योर कि वो ऑर्गेनिक है, वो कंटेक्चुअल है, पूछ कुछ रहे आप गांधी जी को घुसा रहे हो मजे में वो नहीं करना, इट शुड बी रेलेवेंट। सो कोट ज्यादा करके एसे एंड एथिक्स में यूज होगा, जीएस में टूट भी लाइक एकदम भी अगर कंटेक्स्ट में बैठ रहा है तो एज यू कैन गो फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। कि अगर से पावर्टी पे कुछ है तो आप अमर्त्य सेन के बारे में बोल सकते हो कि ही इज स्पीकिंग अपॉन दैट, या ऐसे वाले कुछ भी आपसे न्यूज पेपर में भी अलग अलग जो कॉलमनिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे लिखते हैं कि अगर एग्रीकल्चर का कुछ है अपने अशोक गुजाटी का कुछ लिख दिया, या आईआर का कुछ है तो सी राजा मोहन का कुछ लिख दिया। आई एम होपिंग आप लोग न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, सो यू नो दीज पीपल, राइट। सो ये आप कर सकते हो। और कुछ anything else? Then mention about the speeches. में अगर कुछ ऐसी होगा तो PM, President, External Affairs Minister, जैसे एस जयशंकर ने कहीं पे कुछ speech में कहा है अगर, और उसी topic पे अगर आ रहा है तो एक है कि आप current affairs example या current affairs का context दे सकते हो, second आप directly उसको quote कर सकते हो, paraphrase करके भी mention कर सकते हो कि so and so has been said by the External Affairs Minister. So ये कुछ टाइप के इंट्रोडक्शंस। सो ये आपको अलग अलग क्वेश्चंस के साथ सोचने पड़ेंगे। आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो यू नीड टू थिंक अपॉन दीज लाइंस, क्योंकि ये मैं टाइप के इंट्रोडक्शंस बना सकता हूँ। वहां पे जाके आपको तीन इंट्रोडक्शन नहीं स्ट्राइक करेंगे, बट वेन यू हैव थॉट अबाउट क्योंकि इस टाइप पे मैं ये इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ या ये टॉपिक आया तो आई हैव दीज टू थ्री टाइप ऑफ इंट्रोडक्शंस,
वहां पे प्रेशर में जाके एटलीस्ट एक तो इंट्रोडक्शन स्ट्राइक होगा, वरना वो आप डेफिनेशन दोगे और डेफिनेशन भी ओरिजिनल वाला नहीं दोगे, खुद का डेफिनेशन दोगे, सो वो नहीं करना है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स, तभी जाके वो वहां पे ढंग से निकलेगा। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए इट नीड्स टू बी कंटेक्चुअल, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हिट करना है। आप बैकग्राउंड दोगे ये दोगे वो नहीं चलने वाला, बिकॉज आप जो पेपर को 3 घंटा लिखोगे मेहनत करके, 3 साल पढ़ोगे फिर 3 घंटे में लिखोगे, वो एग्जामिनर उसको आधा घंटा भी नहीं देने वाला। सो फॉर देम यू हैव टू हिट द बुलसाई एज क्विकली एज पॉसिबल। इंट्रोडक्शन में दिखना चाहिए कि हाँ इसको डिमांड पता चल चुका है, प्लस अभी से जो डेटा हुआ या ये एक्सपर्ट ओपिनियंस हुए ये आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, वहां पे जाके याद नहीं आएगा कि हाँ एस जयशंकर ने ये बोला था। ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर सच थिंग्स, तो आपके नोट्स इसके अकॉर्डिंग बनेंगे, जो आपका आंसर लिखने के लिए जो आपका डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनेंगे। तो आई होप इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर हाउ यू कैन अप्रोच। नेक्स्ट इंट्रो के बाद क्या आएगा, I hope you have written this down. Can I rub it? हाँ कर सकते हो, उसे अगर आपका जो leading statement है वही negative है, कि अगर से hunger पे अगर कुछ बता रहे कि हाँ there is so and so like malnutrition बढ़ रहा है या obesity का ही है, एंड देन यू कैन राइट क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पुअर परफॉर्मेंस है, वैसे कुछ हो सकता। आप इंट्रोडक्शन कैन बी एज पर द टोन या जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव है जैसा होगा, कंक्लूजन जनरली नीड्स टू बी पॉजिटिव। सो इंट्रो होगी, इंट्रो में जो कंटेक्स्ट है आपको कंटेक्स्ट पकड़, सो योर आंसर इज समथिंग गोइंग टू बी लाइक दिस, कि आप इंट्रोडक्शन में उसको अंदर जा रहे हो, जो भी कंटेक्स्ट आप इंट्रोडक्शन में अंदर जा रहे हो उसकी स्पेसिफिक चीज आप बॉडी में एड्रेस कर रहे हो, जो पूछा है एकदम पिन पॉइंट ऑफ बॉडी में एड्रेस कर रहे हैं, और कंक्लूजन में आप उसको वापस बाहर खोल दो एक ब्रॉड लेवल पे कर। सो आपका जो इंट्रोडक्शन होगा दैट वुड बी कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, और योर कंक्लूजन कैन बी थीम स्पेसिफिक, कि ओवरऑल कुछ भी रहने दो गवर्नेंस का, गवर्नेंस में वो ई गवर्नेंस में पूछे, आपका रोल ऑफ सिविल सर्विसेज पे पूछे, ट्रांसपेरेंसी पे पूछे, आपका हर एक का कंक्लूजन गुड गवर्नेंस बन सकता, क्यों, क्योंकि वो थीम एक सेम है, बट इंट्रोडक्शन सबका सेम नहीं बन सकता, तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वेलकम इज योर बॉडी, अब बॉडी में क्या क्या चीजें आएंगी, हाउ विल यू गो अबाउट द बॉडी। आप डेप्थ में जाओगे राइट, वो किस वे में करोगे आप, ठीक है। सो एक तो ये हो गया, ठीक है वो प्रेजेंटेशन का पार्ट, व्हाट सो व्हाट आई वांट टू से इज कि आपका वो सब पार्ट्स कर, यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चन। जो वो बोली थी पॉइंट्स वाला, पॉइंट्स पैरा वो आपके ऊपर है, आप कैसे करोगे, आप किस कभी आपको पॉइंट्स यूज करना है पॉइंट्स यूज कर सकते हो, पैरा यूज करना है पैरा भी यूज कर सकते हो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द विजिबिलिटी ऑफ योर आंसर। अगर आप पैरा में लिख रहे हो मेक श्योर दैट एग्जामिनर को पता चले कि किस इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करना है, आप पॉइंट्स पे लिख रहे हो तो मेक श्योर दैट योर सब हेडिंग इज एक्यूरेट, क्योंकि वो सब हेडिंग के थ्रू आपका पॉइंट्स देखने वाले। प्लस आप ट्राई कर सकते हो कि जितना आप मिक्स एंड मैच कर सको, ताकि आपका पूरा पेपर मोनोटोनस ना लगे, कि 20 के 20 में आपने पॉइंट्स नहीं देखे, 20 के 20 में पैरा नहीं लिखे। प्लस कैसे हो जाता है कि जहां पे आपको बहुत ज्यादा कंटेंट है वहां पे आप पॉइंट्स में लिख सकते हो, जहां पे आपको एनालिसिस देना है वहां पे आप पैरा में लिख सकते हो। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि हमें को ये चीजें एड्रेस करनी, एंड वो जहां पे एड्रेस हो रहा है वो एग्जामिनर को दिख जाना चाहिए, क्या यहाँ पे इसने ये पार्ट को एड्रेस किया हुआ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो इन बॉडी फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चंस। जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है एज यू सेड, कि अगर इसे डिफरेंशिएट पूछा तो आप टैबुलर बना सकते हो, वो सब वो फिर
डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन होगा. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज द ब्रेकेज ऑफ द क्वेश्चन. तो आपने पहले ही स्ट्रक्चरिंग में ब्रेकेज किया है, वो आप ब्रेकेज को यहाँ पे हाईलाइट करोगे. अगर आप सबहेडिंग यूज कर रहे हो तो मेक श्योर दैट सबहेडिंग इज एक्यूरेट, क्योंकि आपके पॉइंट्स उस सबहेडिंग के नजरिए से ही देखे जाएंगे. जितना हो सकता है ट्राई करो कि सबहेडिंग में आप वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन ही डालें, ताकि आप ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा यहाँ पे इसने ये वाला सब पार्ट एड्रेस कर दिया है क्वेश्चन का. तो फर्स्ट ब्रेक द क्वेश्चन, देन मेक द सबहेडिंग. इसके बाद जो सबहेडिंग्स होंगे, जो भी पार्ट्स होंगे, उन पार्ट्स में आपको भरना पड़ेगा दो कंटेंट. यहाँ पे आपका कंटेंट आ जाता है. तो यहाँ पे अभी आपका जो कंटेंट आएगा उसका किया जाता है. इन योर आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज गोइंग टू बी द कंटेंट. क्वालिटी कंटेंट वुड ऑलवेज बी द प्राइमरी थिंग विच यू हैव टू मेंशन. अब ये कुछ पार्ट इसमें होगा कोर कंटेंट, कुछ होगा कोर, कुछ होगा वैल्यू एडेड. व्हाट आई मीन बाय कोर कंटेंट इज दोस आर्ग्यूमेंट्स जो आप दोगे टू जस्टिफाई योर स्टैंड. अगर क्वेश्चन में कुछ पूछा है तो उस क्वेश्चन का जो आप एनालिसिस दोगे, जो इनडेप्थ आर्ग्यूमेंट्स दोगे, दैट इज योर कोर कंटेंट. कि अगर से आपको किसी चीज के इश्यूज पूछे तो जो क्या कि अगर किसी क्वेश्चन में इश्यूज पूछे हैं तो जो इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है, दैट इज योर कोर कंटेंट. क्या ये चार पांच चैलेंजेस है इस चीज, उस कोर कंटेंट को आपको जो सब्सटेंशिएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी द वैल्यू. आप जो एग्जांपल्स दोगे, आप जो डेटा दोगे, आप जो कीवर्ड्स डालोगे, That is going to be the value addition part. So, आपको ये चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि आप कौन से जगह पे क्या एग्जाम्पल डालोगे, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. कि अगर इश्यूज है पहले तो आपको इसमें यू हैव टू ब्रिंग इन पॉजिटिव पॉइंट्स. और सो इन अ 10 मार्कर बेसिकली फॉर एवरी सब पार्ट देयर नीड्स टू बी 4 to 5 पॉजिटिव पॉइंट्स. ये आपको ट्राई कर, तब हर जगह पे अवेयरनेस बढ़ाओ ये नहीं लाने, लैक ऑफ अवेयरनेस इशू. अगर आप वो भी डाल रहे हो तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा. से आप बोल रहे हो कि लैक ऑफ फंडिंग, मैक्सिमम जगह पे वो एक लैक ऑफ फंडिंग है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो लैक ऑफ फंडिंग कैसे है या कैसे वो हैम्पर कर रही है. यू हैव टू एंकर योर पॉइंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. आपको उसको कंप्लीटनेस देनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम आपको उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा. एग्जाम्पल देखिए, कुछ डेटा देखिए, किसी अगेन एक्सपर्ट का भी कुछ यूज कर सकते हो, वो सबसे आपको उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा. दिस इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन दैट सिलेक्शन एंड जस्ट मिसिंग आउट ऑन सिलेक्शन. वो रिलेटिव में जो डिफरेंस है उसका ये पूरा खेल है. दिस ऑलवेज अबाउट दोस हाफ मार्क, वन मार्क फॉर एवरी क्वेश्चन. इसके लिए आपका फाइट. सो मेक श्योर दैट यू हैव क्वालिटी पॉइंट्स एंड देन यू हैव क्वालिटी सब्सटेंशिएशन टू इट.
I recently started answer writing, and like I'm on a very nascent stage, but every time I talk to the body and in subjects like political science or anything, which is my option. So like whenever I'm writing an answer and I'm presenting that from like a lot of times I drift away from the question itself, and that I realized only once I read the answer, once it's done. Okay. So how like do you think I need to read more content, and my content is not strong enough, or it's answer writing practice for both? See, you're drifting because you have just 2 points and you're trying to fill the 2 pages with 2 points. That may be the reason of lack of content. Maybe you had content, but just because you were trying to say, give the example, and that's why you drifted away. वो भी नहीं होना है. मतलब ऐसा, you have to have that balance. आप example में story नहीं लिख के आओगे. You have to maintain the crux out of it. First ये हो गया. Second, it can be maybe due to the fact that you are going for say paragraph approach. In that you can go quite long. So उसमें आप try करो point में ऐसी चीजें को लिखने को. So that will help you. Just try to stick to the word limit. Now why it's important to stick to the word limit is, say अगर आप 150 के जगह पे 170 words लिख रहे हो, 250 के जगह पे अगर 270 words लिख रहे हो, तो वो 20 words 20 answer में मिला के 400 words हो जाते हैं. That is nothing but you are losing out on 110 marker and 115 marker. So that's why word limit में लिखना is important, because if you are exceeding the word limit, you are automatically also compromising on your time management. So एक दो वो factors हो सकते हैं. You can practice it out and ये try करो कि आप 4-5 points आ रहे हैं. अब देखो कि बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सब पार्ट हैव अ एड्रेस एटलीस्ट गिवन 4-5 आर्ग्यूमेंट्स. द सेम टाइम आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि आप 5 के 5 पॉइंट में सब्सटेंशिएशन नहीं दोगे, जो आपके 2 या 3 मेन पॉइंट्स होंगे वहां पे ट्राई करो सब्सटेंशिएशन देने का, बाकी के 2-3 पॉइंट्स आप बस जेनरिक से भी लिख दिए दोगे चल जाएंगे. बट एटलीस्ट एग्जामिनर शुड अंडरस्टैंड कि ओके ही हैज और शी हैज एन इनडेप्थ नॉलेज एज वेल. ओके, सो content jab aap likh rahe ho, make sure that you have a balance of the core content or the arguments which you are giving as well as background. This is just for the garnishing or just for the better representation of your answer. But ek to ki ye difference create karta hai relative level. Problem kya hota hai ki agar aapke quality arguments hi nahi rahenge to kuch matlab nahi. The basic is the argument, basic is the quality points jo aap de rahe, but uske sath aapko kuch aur excess rakhna hai. सो आपको अगेन जो जब भी आपसे थीम्स देखोगे, सो विल अंडरस्टैंड कि कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स. सो एटलीस्ट ऑन इंपॉर्टेंट थीम्स के आप डेटा बना के रख सकते हो. जैसे आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिवाइज के साथ उसको आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर आया कि मेरे को ऑटोमेटिकली स्ट्राइक हो रहा है कि एग्रीकल्चर का GDP इतना है, एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट शेयर इतना है. वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आपको बार बार आंसर्स में लिखना पड़ेगा तब आएगा. एक ये हो गया. दूसरा, जब आपके पास ये वैल्यू एडेड कंटेंट रेडी हो रहा है, कुछ एग्जांपल्स होंगे, कुछ पॉजिटिव केस स्टडीज होंगे, कुछ डेटा होगा, देन फिर वो आपकी स्किल है कि आप सेम चीज को बार बार कैसे यूज कर पा रहे हो. उसको आपको उस आंसर के लिए मोल्ड करना पड़ेगा. आप डायरेक्टली उसको लिख नहीं सकते, बट उसी सेम डेटा को आप मोल्ड करके वापस यूज कर पाओगे. विद 4 GS पेपर है, 4,000 लोग चेक करेंगे, बट देयर इज ऑलवेज एन ओवरलैप, तो आप सेम चीज को दूसरी जगह पे भी यूज कर सकते हो. सो ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस से होगा. सो यू विल नीड एटलीस्ट अ बेसिक लेवल ऑफ डेटा, उतना आपको वो मेहनत डालना पड़ेगा, बिकॉज नाउ दैट इज द न्यू नॉर्मल. वो ऐसा कुछ बहुत आप बड़ा चीज नहीं कर रहे हो, अगर आप वो नहीं करोगे तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे. सो उसके लिए आपको करना है, बट किस डिग्री तक करना है वो आपके ऊपर है कि आपका क्या कंफर्ट है उसके साथ. ऑलवेज मेक श्योर कि यू आर प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स. लाइक डेटा एक पार्ट हुआ, मे बी आपका डेटा स्ट्रेंथ नहीं, आपका मैप स्ट्रेंथ हो सकता है. फॉर मी इट वॉज डेटा, मेरे को मैप बनाना नहीं आता था. मे बी किसी का डायग्राम बनाना स्ट्रेंथ हो सकता है, किसी का फ्लो चार्ट बनाना स्ट्रेंथ हो सकता है. सो यूज योर स्ट्रेंथ टू योर एडवांटेज. अभी से किसी का ऑप्शन इज ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में ऑटोमेटिकली उनको डायग्राम्स एंड मैप्स बनाने पड़ते. सो यूज दैट स्किल सेट इन टू योर GSK पेपर्स. से माई ऑप्शन इज हिस्ट्री, सो मेरे को डेट्स बेटर वे में याद रहते, मेरे को इवेंट्स बेटर वे में याद होते. आई हैव वेरियस पर्सनैलिटीज, सो आई कैन यूज दैट. कि एथिक्स में मैं सारे जितने भी पर्सनैलिटीज पढ़ रहा हूँ, लिंकन हुआ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हुआ, नेल्सन मंडेला हुआ,
उन्हीं को एग्जाम्पल्स बना देता था, अशोका हो गया। सो आपको वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपके जो स्ट्रेंथ्स है उसको आप कैसे यूज कर रहे हो टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, बेसिक लेवल का जो डेटा है वो रटना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। सो बॉडी में ये चीजों पे ध्यान रखना कि आप क्वेश्चन को ब्रेक कर रहे हो, उतना आप पिन पॉइंटेड वे में लिख रहे हो, और जो आप लिख रहे हो उसको ट्राई करो सब्सटेंशिएट करने के लिए। Then you will come to conclusion. अभी कुछ questions होंगे से जहां पे से take for example question is what is PDS public distribution system and what are its challenges. Okay, what are the sub parts in this question? So question is what is PDS? What is PDS? Challenges. And challenges. So how PDS works and वो बताओ। Second part में challenges बताओ। अगर ये 10 mark का रहा तो आपके पास दो है सब parts। अगर ये 15 mark का रहेगा तो solutions। Okay? In any UPSC question, if they are asking you issues, you have to give solutions. आप सिर्फ आप एक्टिविस्ट नहीं हो, आप इशू देख के बाहर नहीं जाओगे, तो सॉल्यूशंस भी देने हैं। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग सॉल्यूशन। सो अगर ये 15 मार्क का है तो आपके पास सीधा सीधा 3 सब पार्ट्स थे। अगर ये 10 मार्क का था तो आपके पास सॉल्यूशंस के लिए उतना स्पेस नहीं। सो आप क्या करोगे कि कंक्लूजन के पहले ही एक छोटा सा वे फॉरवर्ड का या तो पैराग्राफ लिख दोगे या एक छोटा माइक्रो डायग्राम बना दोगे कि आपका ये फर्स्ट पेज हो गया, फर्स्ट पेज पर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, यहाँ पे पीडीएस का इम्पोर्टेंस वगैरह बता दिया, सेकेंड पेज पे यहाँ पे आपने चैलेंजेस बता दिए, इधर पे आपने एक छोटा सा सोल्यूशन का कुछ बना दिया कि ये 3-4 सोल्यूशंस है, एंड देन यू रोट द कंक्लूजन। या फिर आप कंक्लूजन में ही 2 लाइन पहले सोल्यूशन के लिख दो और फिर कुछ पे कंक्लूड कर दो, ठीक है। सो जितना हो सकता है आपको सोल्यूशन वे फॉरवर्ड देने को ट्राई करना है। योर पेपर शुड बी सोल्यूशन सेंट्रिक, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच रखते हो ये दिखना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन में क्या क्या लिख सकते हैं? ओके, सम अप हो गया। एक रेकमेंडेशन, रेकमेंडेशंस, एग्जांपल्स ऑफ अदर कंट्रीज एंड करंट एग्जांपल्स टू द परफेक्ट सिनेरियो। ओके, केस स्टडीज आई कैन से, ठीक है। Anything else? Anyone? Recommendations हो गए, committees वगैरह के, committees हो गया या some reports, नीति आयोग वगैरह का कुछ, economic survey, ये कुछ आपने ला दिया, case studies और government schemes, schemes or measures. Anything else? Sources as in? Sum up, I say to avoid it, क्योंकि आपके पास वर्ड का स्पेस नहीं है, ऐसे में आप एक पैरा इस पे डाल सकते हो, बट जीएस में यू वोंट गेट टाइम और स्पेस टू सम अप, यू हैव टू जस्ट बस लिखो और आगे बढ़ो। सॉरी, सो गिव अ पॉजिटिव सेट ऑफ दिस। अनदर थिंग यू कैन डू इज mention some good keywords or key phrases. किसे IR का question आ रहा है Indian Ocean, you can use Sagar, security and growth for all, or Indian Ocean as a zone of peace. से अगर India Srilanka या ऐसा कुछ आ रहा है, use neighborhood first policy, इस type का कुछ, so वो आप use कर सकते हो। कि अगर से string of pearls के ऊपर कुछ है, तो आप conclusion में diamond of necklace of diamonds डाल दो। So ऐसे keywords वगैरह आप use कर सकते हो। Plus, you can use your SDGs, okay? Sustainable Development Goals. 17 है SDGs, right? So you can use those. कि poverty का आया तो SDG 1 हो गया, hunger का आया तो SDG 2 हो गया, education 4 हो गया, climate change आया तो 13 हो गया. So इसमें मैं आप SDGs को अगर use कर सकते हो. What is more important is to give that positive outlook, that optimistic outlook, वो दिखना चाहिए conclusion में.
ओके सो ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब इसके साथ साथ आपको देखना है कि ये तो आंसर हो गया, बट आपको सिर्फ कंटेंट लिखना नहीं है, प्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर पेपर इज ऑल्सो विजुअली अपीयरिंग। इसमें सिर्फ हैंडराइटिंग नहीं आती, हो सके तो हैंडराइटिंग सुधारो, जब अगर जिनका बहुत ही बुरा होगा तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है वो। बट वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट योर आंसर इज नीट, एग्जामिनर को पढ़ने का मन करना चाहिए वो। सो ये तो इसके लिए मेक श्योर दैट योर वर्टिकल स्पेसिंग इज गुड, कि आपका पैराग्राफ की दो सब पार्ट्स अगर अलग है तो उसमें डिफरेंस दिखना चाहिए। देन आपके जो लाइन का स्पेसिंग है वो कंसिस्टेंट है, आपके लाइन्स सीधे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं जा रहे हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार वहां पे जाके ब्लैंक पेज पे लिखोगे तो ये सब इश्यूज होते हैं। सो ये कुछ चीजें हो गई। देन आप अगर डायग्राम बना रहे हो तो उसको बॉक्स करो, उसको लेबल करो, ये सब चीजें ट्राई करो। मतलब जो आप आंसर देख रहे हो उसको थोड़ा सा एक फुट दूर रख के देखो, क्या ये देखने में सही लग रहा है। तो दैट विल हेल्प यू इन एनरिचिंग दैट विजिबिलिटी क्वेश्चन ऑफ योर आंसर। जस्ट जहां पे हो सकता है ट्राई टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट थिंग्स। से आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हो तो एग्जाम्पल के लिए अलग सिंबल बना दो या उस टाइप से, कि ताकि एग्जामिनर को पता चले कि इन चीजों पे ध्यान देना है। तो जब दो तीन आंसर्स में वो देख लेगा पूरा आंसर को, फोर्थ आंसर से वो सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देगा, और अगर वो उसको सही लगे तो ही उस पर ओके ठीक है, बाकी ये पूरा आंसर सही ही दिखता है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो मेक श्योर दैट यू हैव अ गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसके लिए जितना हो सकता है इम्प्रूव द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो टू इम्प्रूव द विजुअल रिप्रेजेंटेशन? अंडरलाइन एक हुआ, क्या क्या आप डाल सकते हो इसमें? मैप्स, यू हैव डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स। आपके जो डायग्राम्स होने वाले दे नीड टू बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ग्रेजुएशन के जैसे नहीं कि एक डायग्राम बना दिया, उसी डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, फिर उस एक्सप्लेनेशन से एक और डायग्राम बना दिया। ओके, तो ये नहीं करना है। योर डायग्राम नीड्स टू ऐड सम वैल्यू। कि अगर से बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स पूछ रहे तो अपने एक इंडिया का मैप बना दिया और बता दिया कि इस कंट्री से ये प्रॉब्लम है, इससे ये प्रॉब्लम है, एंड देन यू आर गिविंग एनालिसिस आउट ऑफ इट इन द बॉर्डर। सो ये आपको हेल्प करेगा। यू हैव दिस, देन और क्या कर सकते हैं आप? ग्राफ्स वगैरह डाल सकते हो, ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, आप ये विशेष साइकिल टाइप चीजें डाल सकते हो। से हंगर पावर्टी है तो कैसे हंगर पावर्टी से देखिए वापस पावर्टी आ रही है, हंगर है पावर्टी, पावर्टी है पावर्टी से हंगर आ रहा है, हंगर से लैक ऑफ एजुकेशन या हेल्थ डेफिसिट के कारण एजुकेशन नहीं हो रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन से लैक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, और एम्प्लॉयमेंट नहीं रहने के कारण वापस पावर्टी आ रही है। सो इस वे में आप अगर बताओगे कुछ तो उसका रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव हो जाता है। से आपको इकोनॉमी का कुछ चीज बता, यूज फ्लो चार्ट्स, क्योंकि पुतिन को मन कर दिया वॉर करने का, उसने वॉर किया, उससे फ्यूल शॉर्टेज हुआ, फ्यूल शॉर्टेज के कारण इंडिया इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट, इज इम्पोर्ट डिपेंडेंट ऑन फ्यूल, इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। या यूएस में इन्फ्लेशन आया, फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया, उससे डॉलर के ऊपर प्रेशर आ गया, रूपी के ऊपर डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है, उससे आगे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो इस वे में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। That will save you time and it will also give much more clarity to the examiner. So, ऐसे सब चीजें को आपको यूज करना है, आपको try करना है कि आपका पेपर मोनोटोनस ना दिखे। Okay? So, we discussed about the structuring and we discussed about the various components of the answer. We discussed about the presentation. Okay? So, आपने बहुत सब पढ़ लिया, लिख लिया, ये कर दिया, issue क्या आ जाता है, अपने best answer भी लिख दिया, इशू आता है वो आंसर लिखने को लग जाता है एक घंटा, और वहां पे मिलते कितने वक्त है? 7 minutes. So for a 10 marker, we have 7 minutes. For a 15 marker, you would have 11 minutes. So ये सब जो चीजें हैं, इसको भी आपको कंप्रेस करना है इन दैट टाइम पीरियड।
अगर आप स्टार्टिंग से ही 7 मिनट का बस लेके बैठोगे तो 2 पॉइंट देख के छोड़ दोगे, आधा पेज का आंसर होगा। सो फर्स्ट ट्राई टू राइट दोज गुड आंसर, फर्स्ट अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल, क्योंकि हाँ इस टाइप का मैं आंसर लिख सकता हूँ। देन रेफर टू टॉपोस्कोपी, रेफर टू द मॉडल आंसर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट मोर कुड हैव बीन। एक बार ये चीज परफेक्ट हो जाएगी, एक बार आपको पता चलेगा कि आंसर कैसे लिखना है, देन ट्राई टू राइट दोज आंसर्स विद इन द टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड। एक बार आपको ये आंसर राइटिंग हो गया कि आप एक आंसर ढंग से लिख सकते हो 7 मिनट 11 मिनट में, देन गो फॉर द टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज इज नथिंग बट योर 20 questions इन 3 hours। सो यहाँ पे फिर वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वेश्चन को 6 मिनट देना है, कौन से क्वेश्चन को 8 मिनट देना है, कौन सा क्वेश्चन को किस टाइप से लिखना है, कब भगाना है, कब क्या करना है, वो डिपेंड करेगा। कुछ लोग होते हैं धोनी की जैसे कि स्टार्टिंग को कुछ नहीं करेंगे, लास्ट के ओवर में मारने को जाएंगे, बट अगर सब नहीं रहते वैसे तो प्रेशर में आके पेपर छूट जाता है। एज अदर वे राउंड इज कि भाई बीच बीच में बाउंड्रीज मारते रहो, बीच बीच में प्रेशर रिलीव करने के लिए स्पीड बढ़ाते रहो ताकि एंड में बहुत ज्यादा प्रेशर पाए। सो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे होगी, वो आपको एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड कर पाओगे जब आप टेस्ट सीरीज। ओके, सो दिस वाज अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ व्हाट यू हैव टू डू। ये एक दिन में नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोसेस। आपको ये सारी चीजें बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी, तब जाके यू विल बी एबल टू राइट गुड आंसर्स। यू वुड नीड टू गो थ्रू लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड कि ओके ये जो एक आपने कंटेंट बनाया है उसको अलग अलग जगह पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग जगह पे जैसे क्वेश्चन का कंटेक्स्ट है वैसे मोल्ड कैसे किया जा सकता है, क्योंकि नॉलेज वही होने वाला है, बट वो नॉलेज को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो उसके मार्क्स है। ठीक है, सो लेट्स टेक अप द डाउट। सो आंसर राइटिंग रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स रहेंगे ऑफ कोर्स आस्क, इसके अलावा भी जो भी आपकी स्ट्रेटजी प्लानिंग वगैरह के रिलेटेड डाउट्स है, वी विल ट्राई टू एड्रेस देम। ओके, ओके, कैन आई रब दिस? Suppose your question was about Yojana and Kurukshetra. It will depend upon आपके पास कितना टाइम है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इन दिस एग्जाम फोकस ऑन यूटिलिटी। आप कोई भी चीज अगर ले रहे हो तो पहले तो देखो कि उसकी यूटिलिटी है क्या, हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट इन से प्रीलिम्स में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए या मेंस में आंसर रखने के लिए या इंटरव्यू में कोई आंसर देने के लिए। सो वो हमेशा याद रखो, you want to become a collector, not a collector of materials. So make sure that आप पहले तो डिसाइड करो तो कि इसका रूप यूज क्या है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि जो आप चीज कर रहे हो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, बिकॉज इन दिस एग्जाम द बिगेस्ट कंस्ट्रेंट इज गोइंग टू बी टाइम। कि अगर आप किसी एक चीज के लिए टाइम दोगे वो अगर एक्सेस हो गया तो आप किसी दूसरे चीज से वो टाइम खा रहे हो। तो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा कि रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है चीजों का। अगर आपका से ऑप्शनल ही नहीं हुआ है और आप बोल रहे हो कि मैं योजना से एक डेटा मिलने के लिए मैं वो पढ़ूंगा तो इट इज नॉट वर्थ। सो पहले आपके आपको पहले जो भी कोर चीजें हैं, जीएस का बेसिक नोट्स हो गए, ऑप्शनल के नोट्स हो गए, आपका आंसर राइटिंग का थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह हो गया, उसके पहले तो डोंट गो फॉर योजना और कुरुक्षेत्र।
इसके बाद ट्राई करो कि आपके पास पहले एक डेटा सेट या एग्जाम्पल्स है, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो मेरे पास इस टॉपिक के ऊपर नहीं है, तो आप सीधा गूगल कर दो कि ये टॉपिक और योजना डाल दो, आपको किसी ना किसी क्लास का कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। सो यू डोंट नीड टू गो एंड रीड इट। अदरवाइज क्या आप कर सकते हो कि ठीक है आपके पास एक्सेस टाइम है या उसे ट्रैवलिंग का टाइम है, उस टाइम पे आप वैसे भी कुछ करते नहीं हो, तब आपने वो यूज कर दिया तो ठीक है कि हाँ मैं उतने टाइम में आई जस्ट ब्राउज, आई विल ब्राउज थ्रू दैट मैगजीन, कुछ काम का मिला तो आई जस्ट नोट इट डाउन। बट यही सब चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी, वहां पे जाके एग्जाम के प्रेशर में वो 7 मिनट में याद है हाँ इस योजना में ये लिखा हुआ है या इस न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ था, इसका आपको नोट्स बना के बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके होगा वो 7 मिनट में, वो 3 घंटे कब चार्ज होते हैं कब खत्म होते समझता भी नहीं। प्रिलिम्स का सो आई गेस आई विल टेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी सेशन ऑन प्रिलिम्स एज वेल, इट वुड बी लाइक इन अराउंड एंड ऑफ डिसंबर और अर्ली जनवरी। अभी का जो आपका टाइम है मेक श्योर यू आर यूटिलाइजिंग इट फॉर मेंस, दिस इज लाइक द लास्ट लेग फॉर मेंस। आप में से कितने 2023 के अटेम्प्ट दे रहे हैं एंड हाउ मेनी आर आफ्टर 2020 पोस्ट 2024 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है सो अराउंड 50। सो जो भी 23 वाले हैं आपको मेंस अभी अगले महीने डेढ़ महीने में खत्म करना पड़ेगा, एटलीस्ट फ्रॉम फेब आपको फुल फ्लेज प्रिलिम्स में जाना पड़ेगा इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम। अगर इसके पहले आपने प्रिलिम्स का अटेम्प्ट दिया हुआ है, कितने लोगों ने पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है, एनीवन एल्स 2022 दो अटेम्प्ट्स। सो तभी बाकी आपका जो करंट अफेयर्स मैगजीन का एक क्वेश्चन था ना वो क्या था, ठीक है सो नोट्स एज आई सेड कि आप किसी एक सोर्स का मत बना दे, आप किसी भी टॉपिक का नोट बना दे, आप सिलेबस देखो आप ईवाईक्यूज देखो समझो क्योंकि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, देन जितने भी सोर्सेस होंगे उसको आपको कंसोलिडेट करके एक नोट बनाना है। आप हर चीज के नोट बनाने जाओगे तो वो मतलब नहीं होगा, बिकॉज देन एंड ऑफ द डे वापस ये होने वाला है कि ये पढ़ू या वो पढ़ू या वो पढ़ू। जब तक आपके पास एक कंसोलिडेटेड सोर्स नहीं होगा प्रॉब्लम आती रहेगी। सो एक तो ये हो गया, सेकेंड जो मैगजीन्स है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका क्या यूटिलिटी आपको लग रहा है पर्सनली कि डू यू थिंक इट इज वर्थ। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसका ऐसा यूज हो सकता है तो आप कर सकते, अगर यू हैव अ बेटर सोर्स टू डू इट तब वैसे भी कर सकते हो। बस न्यूज़पेपर के नोट्स आई आस्क यू टू अवॉइड इट अनलेस एंड अंटिल आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आपको पता है कि कैसे कैटेगराइज करना है किस वे में क्या इंपॉर्टेंट है, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा डोंट गो फॉर न्यूज़पेपर की नोट्स, बिकॉज एक अगर आपके 2-4 दिन के भी मिस हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप उसको बैकलॉग कभी फुलफिल होता नहीं है और आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, देन आपको हर एक कैटेगरी के वैसे वैसे नोट्स कंपाइल करते रहने पड़ेंगे, सो इट बिकम्स वेरी टीडियस। सो उतना फायदा नहीं है, जैसे अभी इतने सारे क्लासेस है जो अलग अलग न्यूज़पेपर को कंपाइल करके दे रहे हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि गो फॉर अ स्टैंडर्ड ईयर न्यूज़पेपर पढ़ो फॉर एनरिचिंग योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड क्योंकि क्या चल रहा है, हाउ आर जो एडिटोरियल्स में कैसे व्यूज प्रेजेंट हो रहे हैं, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि आपको आंसर में क्या लिखना, आपका आंसर वुड बी एनी टाइम्स मच मोर पिन पॉइंटेड दैन एन एडिटोरियल, आपको समझेगा कि वो जो कैसे अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, कैसे अपने पॉइंट्स को फोकस में ला रहे हैं, वो हेल्पफुल हो। एट द सेम टाइम ऐसे के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर पढ़ो बट उसको आधा घंटा 40 मिनट से ज्यादा टाइम मत देना क्योंकि बाकी के फिर चीजें आपके रह जाएंगी। नाउ इट्स टाइम टू फिनिश ऑफ योर ऑप्शनल एंड GS वगैरह, जो भी कंटेंट मेकिंग है उस पर अभी आपको ज्यादा ध्यान देना, और करंट अफेयर्स के लिए आई फील कि एक एनुअल कंपाइलेशन भी सफाइस कर जाता है अगर आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होगा, क्योंकि मिथ की बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स से आते हैं, अगर आप ढंग से एनालिसिस करोगे मेंस के भी और प्रिलिम्स के भी यू विल सी दैट 50-60% इज अ स्टैटिक बेस, बस कौन सा स्टैटिक इंपॉर्टेंट होगा उस साल के लिए दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन करंट अफेयर्स, कि इस बार प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ एंड मेन्स में दोनों के ऊपर क्वेश्चन, वो चेंज हो गया कि कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सेक्शन आता है सिलेबस में इंडियन एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट का कंपैरिजन पूछ लिया एंड वाइस प्रेसिडेंट का तो डायरेक्ट रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट पूछ लिया। सो करंट अफेयर्स विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि
कौन से स्टैटिक टॉपिक को फोकस करना, बट ये क्वेश्चन तो ओवरऑल स्टैटिक ही था ना कि रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो पार्ट है वो लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है, उसके लिए मेरे को अलग से चार न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा टाइम करंट अफेयर्स के लिए दे नहीं सकते, जो स्टैटिक प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है स्पेशली इन प्रिलिम्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यू हैव सम डाउट और प्रिलिम स्पेसिफिक वो ठीक है, सो ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, तो ऐसे में एक तो जीएस टॉपिक्स आते हैं और फिलोसॉफी, बट अभी यूपीएससी से हमें फिलोसॉफिकल मजे लेने हैं। तो आपको फिलोसॉफिकल का भी अभी प्रिपेयर करना, तो जीएस के टॉपिक्स है वो आपका जो जैसे जैसे मेंस का सिलेबस होता रहेगा यू विल गेट इन सम आइडिया, जीएस के टॉपिक्स के लिए कंटेंट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा, बट ऑल्सो प्रैक्टिस अ फ्यू जीएस के एसेज भी, मतलब हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डेमोक्रेसी, ये जो की टॉपिक्स रहते हैं, की थीम्स रहते हैं, इसके भी कुछ प्रैक्टिस करो, बिकॉज यू नेवर नो कि आपने फिलोसॉफी कहीं कर दी और वहां पे जाके हेल्थ पे क्वेश्चन आ गए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सो वो भी प्रैक्टिस करो, तो वहां पे जैसे जैसे आप सिलेबस कवर करोगे यू विल गेट द कंटेंट, एक तो ये हो गया। सेकेंड, वहां पे आपका जो पेस्टल अप्रोच हो गया, बेसिकली जीएस के सिलेबस का अप्रोच रहता है वो चल जाता है कि आपने सोशल डायमेंशन से कुछ बता दिया, हिस्टोरिकल या ज्योग्राफिक डायमेंशन से कुछ बता दिया, पॉलिटिकल डायमेंशन से कुछ बता दिया, गवर्नेंस के डायमेंशन से कुछ बताया, आईआर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, ये सब से आपने कुछ कुछ चीजें बता दी, तो आपका वो एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे बन जाता है। वहां पर जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज कि आप सब्सटेंशिएशन कैसे कर रहे हो, कि आप डेटा क्या दे रहे हो या एग्जाम्पल्स क्या दे रहे हो, वो थोड़ा मैटर करता है। एंड दूसरा है कि आप कैसे फ्लो रखते हैं पूरे ऐसे का, तो फिलोसॉफिकल में भी मैटर करेगा, बट जीएस में दैट इज द आई से द मोर डिफरेंशिएटिंग पार्ट, क्योंकि कंटेंट सबके पास होता है, बट वो कंटेंट कौन बेटर वे में दिख रहा है ये जीएस में वो मैटर करता है। फिलोसॉफिकल में कंटेंट से ही प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, तो फिलोसॉफिकल में सबसे पहले तो है कि आप क्वेश्चन सिलेक्ट कौन सा करोगे, तो आपको वो क्वेश्चन ट्राई करना है सिलेक्ट करने का जिसका इंटरप्रिटेशन क्लियर है। इन जीएस यू विल सिलेक्ट दैट टॉपिक जिसके ऊपर आपके पास कंटेंट ज्यादा है, जैसे एग्रीकल्चर है और एआई है, अब किसी को साईफाई पढ़ना पसंद आता है एंड ही हैज कंटेंट ऑन एआई, तो दे कैन गो फॉर दैट, बट अदरवाइज एग्रीकल्चर तो कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट देख ही सकता, सो इस वे में आप जीएस का देखोगे। बट इन फिलोसॉफिकल टॉपिक्स यू हैव टू बी क्लियर कि ओके इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरप्रिटेशन ही रॉन्ग रहा तो बाकी आप अंदर कुछ भी देखो पूरा ऐसे आपका वैसे भी मार्क्स से हिल चुका है। तो फिलोसॉफिकल में जो चार टॉपिक्स आते हैं, तो दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट बी, दोनों में चार चार टॉपिक्स रहते हैं और आपको एक एक सिलेक्ट करना होता है, सो ऑलवेज गो फॉर द वन इन विच यू आर क्लियर अबाउट द इंटरप्रिटेशन। सो वंस यू हैव, फर्स्ट इज द सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, एक बार आपने टॉपिक को सिलेक्ट कर दिया है तो यू नो फिलोसॉफिकल टॉपिक इट वुड बी अ मेटाफोरिकल काइंड ऑफ थिंग, जैसे इस बार का वो क्वेश्चन था शिप वाला, शिप इज नॉट मेड फॉर द हार्बर, हार्बर बट इट इज नॉट व्हाट मेंट फॉर, इट इज नॉट व्हाट इट इज मेंट फॉर, ये वाला ये था। तो यहाँ पे इट इज अ मेटाफोरिकल टॉपिक, शिप एक मेटाफर है, हार्बर एक मेटाफर है, व्हाट इट इज मेंट फॉर ये मेटाफर, सो यहाँ पे आपको उसका फिर एनालिसिस देना पड़ेगा, या analysis slash you can say your interpretation of the topic, ये आपको समझना पड़ेगा कि what does ship signify, what does harbor signify, what does safety signify, ये आपको this is all going in brainstorming, मतलब ऐसे देखते हुए दिखना चालू नहीं करना है, तो उसके ऊपर सोचना है, so you will you get around वन एंड हाफ आवर फॉर ईच, सो तीन घंटा होता है, पकड़ लो पहले 8-10 मिनट जाते हैं टॉपिक सिलेक्शन में, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपने टॉपिक ही गलत सिलेक्ट कर दिया तो पूरा ही आपका ऐसे डिलेड हो चुका, सो पकड़ लो 8-10 मिनट उसमें गए, देन यू हैव अराउंड 15-20 मिनट्स टू ब्रेन स्टॉर्म ऑन अ टॉपिक, एंड देन एक घंटा 5 मिनट आपको मिलता है वो लिखने के लिए, बट जितना आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग सही से हो जाएगा उतना आप ईजीली वो ऐसे फटाफट लिख पाओगे। ठीक है, सो फिर आप एनालिसिस देखोगे, उसका इंटरप्रिटेशन देखोगे कि क्या ये है, कि शिप का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है,
then try to write the scope, yeah, understand the scope of this. आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि आप किस लेवल तक या किस डेप्थ तक जाने वाले. एंड दिस विल बी माय पोजिंग क्वेश्चंस. कि व्हाई इज शिप सेफ इन द हार्बर? इफ इट इज मेंट फॉर गोइंग आउट देन व्हाई डज इट, व्हाट इट इज मेंट फॉर, व्हाई इट इज नॉट सेफ व्हेन इट इज डूइंग व्हाट इट इज मेंट फॉर. इफ इट इज से आप बोल रहे हो कि स्टॉर्म आता है, सो व्हाट कैन बी डन टू अवॉइड द स्टॉर्म, या व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द स्टॉर्म. सो ऐसे आपने कुछ क्वेश्चंस पोज किए, सो ऑटोमेटिकली आपको एक डायरेक्शन मिल गई आपके एसे को गाइड करने की. फिलोसॉफिकल एसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि आप इंटरप्रिटेशन तो कर देते हो कि शिप का मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, और उसके बाद आप वो जीएस वाले इस पे आ जाते हो कि हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल दे दिया, पॉलिटी का एक एग्जाम्पल दे दिया, इकोनॉमी का एग्जाम्पल दे दिया, बट वो शिप वही के वही पे है, वो शिप आगे बढ़ ही नहीं रही है. आपने 10 पेज लिख दिया ये दिखाने को कि आ, शिप सेफ नहीं है, फायदा क्या है उसका? इट शुड मूव फॉरवर्ड. आपका एसे शुड गो फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर एंड देन एट द एंड कहीं पे तो पहुंचना चाहिए. सो दिस विल हेल्प यू इन डिफाइनिंग दैट फ्लो, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द आंसर. सो जितना हो सकता है टॉक टू द टॉपिक, क्या कहना चाहता है ये. ओके, देन यू कैन, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव क्वेश्चन होंगे, आपको वो सारे मल्टी डिमेंशनल अप्रोचेस से उस टॉपिक को समझने को ट्राई करना है. एंड देन यू विल ट्राई टू कैटेगराइज इट, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं पहले लिखूंगा, फिर ये क्वेश्चन को, उस हिसाब से आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये. फिर एक बार आपको वो स्केलेटन मिल गया, देन यू कैन थिंक अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स जो देने वाले, कि किस क्वेश्चन का आंसर में ये होगा, और उस आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए आई कैन यूज सो एंड सो एग्जांपल. सो आपने एक क्वेश्चन के लिए मे बी हिस्ट्री का एग्जांपल दे दिया, दूसरे क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करने के लिए पॉलिटी का एग्जांपल दिया, तीसरे क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करने के लिए मे बी आईआर का एग्जांपल दिया. सो आप जो ये जीएस के एग्जांपल्स दोगे, वो आपके एसे को सब्सटेंशिएट करने के लिए मल्टी डिमेंशनल दोगे. आप एक ही चीज को पकड़ के 10 एग्जांपल नहीं दोगे. ठीक है, सो ये करके फिर देन यू हैव द एग्जांपल्स. जो भी आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, जो भी आप थीसिस दे रहे हो, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए आप कोई ना कोई तो एग्जांपल दोगे. यहाँ पे आप कभी डेटा दे सकते हो, कभी रिपोर्ट्स का दे सकते हो, बट वो वाला पार्ट जीएस में ज्यादा होता है. इन फिलोसॉफिकल इट इज मोर सीन कि आप एग्जांपल्स के थ्रू ही ट्राई करते. अब यहाँ पे एक दिक्कत ये हो जाती है कि एग्जाम्पल में लोग कहानी दिखने लग जाते हैं. तो आपको वो बैलेंस रखना पड़ेगा बिटवीन द ब्रेथ एंड द डेप्थ. आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक एग्जाम्पल को छू के बाहर निकल रहे हो, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे उस एग्जाम्पल का ही बन गया. सो वो बैलेंस मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट होगा. सो अराउंड आप पकड़ लो कि आप 6 से 7 कोर आइडियाज दोगे अपने ऐसे में, और उसको आप सब्सटेंशिएट करोगे. इस वे में आपको करना पड़ेगा. सो दिस वुड बी द एंटायर स्केलेटन. ओके, इसके बाद फिर आप इंट्रो लिखने के लिए देखोगे. मेक श्योर इन एसे अगेन योर इंट्रोडक्शन इज टू द पॉइंट. आपके इंट्रोडक्शन से समझ में आना चाहिए कि इस बंदे को ये टॉपिक समझा हुआ है. अगर आपका इंट्रोडक्शन हिट नहीं करेगा तो इश्यू है, बिकॉज जो एग्जामिनर है ही और शी विल मेक अ जजमेंट बेस्ड ऑन योर इंट्रोडक्शन. सो योर इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी वेरी गुड. तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, देन यू कैन गिव द स्कोप अगेन इंट्रोडक्शन, कैसे ऐसे को फ्लो करने वाले. देन यू कैन गो इन टू द वेरियस पार्ट्स. अब मैं पर्सनली पूरा ऐसे एक ही फ्लो में लिखता हूँ. कुछ लोगों को सब हेडिंग वाला भी पसंद आता है, तो आप वो भी अप्रोच लिख सकते हो. बस अगर आप सब हेडिंग भी लिख रहे हो तो वो कंपार्टमेंटलाइज नहीं रखनी चाहिए. इट शुड बी कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर आइडियाज बेटर होने के लिए वो यूज कर रहे हो, रादर देन आप एक ऐसे को 5 या 6 जीएस के आंसर बना दो. वो नहीं फील आनी चाहिए जब. सो वो फ्लो और कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. सो इस वे में आप जा सकते हो, एंड देन यू विल ग्रेजुअली कम इनटू द पेनल्टीमेट कंक्लूजन. तो वो डिफरेंस समझ में आना चाहिए. नाउ ही हैज गिवन ऑल द आइडियाज एंड नाउ दे आर मूविंग टू द कंक्लूजन. एंड अगेन कंक्लूजन एक तो इंट्रोडक्शन से हो सके तो लिंक करो, या एटलीस्ट योर कंक्लूजन नीड्स टू बी ब्रॉड. एक फ्यूचरिस्टिक विजन देना चाहिए. एंड सो उस वे में वहां पे आप थोड़ा सा सम अप कर सकते हो
कि ये चीजें हैं, इससे कैसे और आगे बढ़ा जा सकता है. सो दैट कैन बी द बेसिक जिस्ट ऑफ योर एसे. Any other doubt? So how many of you have not yet decided optional? So optional में it will depend कि आपका कौन सा subject है, कितना overlap है. So एक तो ये कि अगर से GS के साथ overlap है तो of course time थोड़ा कम जाएगा. But optional में आई फील कि जो मेन दो चीजें आपको देखने, एक है कि इंटरेस्ट, क्या क्या आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, बिकॉज आपका पूरा जो यूपीएससी जर्नी है वो ऑप्शन डिफाइन करने वाला. इट इज लाइक लाइफ पार्टनर, लव एट फर्स्ट साइट पे नहीं जा रहा है, पसंद आ रहा है ना देखना है, बाद में पता चले तो टॉक्सिक निकला. सो पहले तो ये देखो कि क्या आप वो चीज को कर सकते हो, देन आपको देखना है कि स्कोरेबिलिटी क्या है. आपको बहुत पसंद है वो ऑप्शन पर आपका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है तो फायदा नहीं. सो यू हैव टू लुक इनटू बोथ थिंग्स, आप तीन चार ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर दो एंड जिसका स्कोरेबिलिटी ज्यादा बेटर है यू कैन गो फॉर दैट. ऑप्शनल बस चेक करना अबाउट इंटर ऑप्शनल कॉम्पिटिशन. बहुत लोग इसके बारे में सोचते नहीं है. इंटर ऑप्शनल कॉम्पिटिशन सब बोलता रहता, हाँ इसको इतने मार्क्स देते, हमारे ऑप्शनल के साथ अत्याचार होता है, हमें मार्क्स नहीं मिलते, ये नहीं होता. बट अगर आप देखोगे तो हर ऑप्शनल के टॉपर्स जो रहते हैं वो एक 10-15 मार्क्स के रेंज में. टेक्निकल ऑप्शनल्स के थोड़े ज्यादा होते हैं बट वहाँ पे वही ट्रेड ऑफ है ओवरलैप पे जीएस का. अगर आप से नॉन जीएस वाले ऑप्शनल दे रहे हो जो टेक्निकल ऑप्शनल होते हैं तो वहाँ पे आपको जीएस का भी पूरा अलग से पढ़ाई करना है और टेक्निकल ऑप्शनल का भी करना, तो वो ट्रेड ऑफ है, वो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप मैनेज कर पाओगे. बट इंटर ऑप्शनल कॉम्पिटिशन का कोई देखता नहीं है कि आपको आपके ऑप्शनल में भी बेस्ट रहना पड़ेगा तभी जाके आपको वो टॉप के मार्क्स मिलने वाले. सो जो भी आप ऑप्शनल दे रहे हो एटलीस्ट मेक श्योर कि जो टॉपर्स के अगर आप आंसर कॉपीज देखोगे कैन यू रेप्लिकेट दोज आंसर्स, कैन यू राइट इन दैट फॉर्म. बहुत सारे जो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल है उसका जो पेपर टू होता है वो अप्लाइड फॉर्मेट में होता है, तो वो वहां पे जीएस के बच्चे भी आंसर लिख देंगे. सोशियोलॉजी का आप देखोगे तो सोसाइटी वाले भी लिख सकते हैं. ज्योग्राफी का अगर पेपर टू देखो इंडियन ज्योग्राफी जो है बाकी लोग भी लिख पाएंगे, बट क्या आप वहाँ पे वो ऑप्शनल का डायमेंशन ला सकते हो? कैन यू ब्रिंग इन दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, कैन यू ब्रिंग दैट ऑप्शनल की सब्जेक्ट की वोकैबुलरी, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो ऑलवेज मेक श्योर दैट आप उस ऑप्शनल में भी बेस्ट कर रहे हो. तो आप दो तीन ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट करो एंड देन ये तीन चार चीजों के बारे में सोच के यू कैन फाइनलाइज क्या करना चाहिए. बस यही है मेरा रहेगा कि जो 24-23 वालों का तो हो ही गया, तो आपको जो है अभी जस्ट अगले एक दो महीने में फाइनलाइज करना है मेंस का एंड यू हैव टू मूव टू प्रेजेंस. जो 24 वाले हैं आपको दिसंबर 2023 तक यू हैव टू बी मेंस रेडी. जो सितंबर 23 में आपकी सॉरी सितंबर 24 में जो आपका मेंस रहेगा उसके लिए आपको दिसंबर 23 में ही रेडी रहना है. आपका पहले से ही प्लान होना चाहिए कि आप बिटवीन प्रिलिम्स एंड मेंस आप क्या करने वाले, वहां पे आपको सिर्फ रिविजन करना, वहां के लिए आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं छोड़ सकते. जो 23 वाले हैं उनको भी प्लान करना पड़ेगा कि क्या आपकी चीजें छूट रही है और क्या आपको अभी करना है और क्या आपको जून 23 के बाद करना है, तो वो आप पहले से ही प्लान कर लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट है. अभी फोकस ऑप्शनल पे रखो क्योंकि अगर ऑप्शनल का कुछ क्योंकि जैसे ही प्रिलिम्स आएगा अराउंड फेब ऑनवर्ड्स वगैरह आपका ऑप्शनल का कंप्लीट टच छूटने वाला है, तो उससे ऑप्शनल का रेडी करके रखो. क्या ज्यादा से ज्यादा ऑप्शनल का एक हाथ सेक्शन आप छोड़ सकते हो. जीएस का जो प्रिलिम्स में टॉपिक्स आते हैं हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इसका आप जीएस का मेन्स का भी थोड़ा थोड़ा उनके साथ कर सकते हो. यू हैव दैट लीवे. बट जो मेन्स एक्सक्लूसिव टॉपिक्स है जीएस के और ऑप्शनल के इनको अभी प्रायोरिटी दो. और जो 24 वाले वो अभी से एक प्लान बना दे फ्रॉम सितंबर 24 को बेंचमार्क रखते हुए कि आपको रिवर्स प्लानिंग करना, कि अगर आपको सितंबर 24 में मेंस लिखना है तो आपका जो टारगेट है या आपका जो डेडलाइन है वो सितंबर 24 नहीं होना चाहिए. इट शुड बी जान 23 तक आपको क्या खत्म करना, अगले एक महीने में आपको क्या खत्म करना. यू वुड नीड टू मेक आर्टिफिशियल डेडलाइंस इन दिस एग्जाम.
ग्रेजुएशन की तरह नहीं है कि हाँ एग्जाम के एक दिन पहले या दो दिन पहले दोस्त को कॉल करके पूछा कि दो दिन बाद एग्जाम कौन से, ओके, तो वो नहीं करना। तो अभी से प्रिपरेशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही करनी पड़ेगी। एनी अदर डाउट? क्या हाँ हिस्ट्री का तो नोट्स काफी हो जाएंगे आप वही कि उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगे टू राइट आंसर्स उसके आप देख सकते हो उतना आप कर सकते हो। थोड़ा तो हाँ तो प्रिलिम्स का आई सजेस्ट कि एक दिसंबर एंड से वगैरह आई थिंक लक्ष्य में भी वो लोग टेस्ट चालू करेंगे ना कभी कर रहे मैं अजीत सर या दीपक सर से पूछना पड़ेगा बट एटलीस्ट फ्रॉम से जान ऑनवर्ड्स आपको प्रिलिम्स के टेस्ट चालू करने पड़ेंगे। एक टारगेट रखो अराउंड 50 टेस्ट का, ओके 50 टेस्ट का प्रिलिम्स के लिए टारगेट पकड़ के चल दो। बाकी यहाँ पे कौन से करा रहे क्या करा है वो भी एक बार देख लेना अकॉर्डिंगली। No. Like, जरूरत नहीं for prelims it is not necessary. वो देखो अभी जैसे है कि सब लोग एंड में prelims के पहले एक annual compilation पढ़ेंगे क्वेश्चन उसमें से कुछ नहीं आएगा बट क्यों मन की दशा है भाई सामने वाले ने पढ़ा है मैंने भी पढ़ा हुआ रहना चाहिए तो कुछ चीजें उसके लिए भी करनी पड़ती है बिकॉज एंड में क्या है इट इज अ साइकोलॉजिकल गेम आपको वो कॉन्फिडेंस रहना इज मोर इम्पोर्टेंट कि जब आप एग्जाम में जा रहे हो मेड विद प्रिलिम्स और मेंस वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा व्हेन आपको पता है कि हाँ मैंने सोर्सेस रेफर कर दिए जो मैक्सिमम जनता सोर्सेस पढ़ती है वो मैंने पढ़ दिए या आई एम प्रिपेयर्ड ऑन दीज टॉपिक्स उसके बाद फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि ये क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट है या मेरे लिए डिफिकल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हो प्रिलिम्स में और अगर आपका नसीब खराब रहा तो वो पहले ही 10 क्वेश्चन हो सकते उस सेट में तो वहां पे इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्योंकि ये 10 क्वेश्चन सभी के लिए डिफिकल्ट अगर वो नहीं रहेगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डाउन तो दैट्स व्हाई यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स जो कि आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि हाँ ये सब लोग ने किया और ये किसी के पास कि जो चीज सब पढ़ रहे हैं वो यूपीएससी भी पढ़ रहा है बस उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछने के लिए Any other doubt? Okay. So, in ethics, the biggest challenge would be of time management. Your case studies are around 120 marks, and you have 130 marks of theory. Okay. So first of all, दोनों का marks का weightage nearly equal है. तो आपको टाइम में भी किसी एक को बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना वो पहले तो ये दूसरी बात जो है कि इन केस स्टडीज हर केस नया होने वाला है मतलब वहां पे कैरेक्टर्स नए होने वाले हैं डायलेमास नए होने वाले सो वो चीजें वहां पे नहीं होने वाले तो आपको वो थोड़ा सा उसको वो पकड़ के चलना पड़ेगा। अभी इस बार के एथिक्स के केस स्टडी में वो हो गया था कि सारे सिमिलर ही थे कि माँ बीमार है बच्चे स्कूल जाने के लिए बच्चों के स्कूल के फीस के पैसे नहीं है बॉस परेशान कर रहा है तो सारे सेम हो गए थे बट ओवरऑल उस पॉइंट पे आपको वो कैरेक्टर्स को या जो भी डायलेमास है उसको हैंडल करने के लिए आपको वहां पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसके लिए आप एक ये कर सकते हो यू कैन मेक ब्रॉड फ्रेमवर्क्स अगर आप प्रीवियस ईयर के केस स्टडीज देखोगे तो देर आर सर्टेन डायलेमास और सर्टेन थीम्स जो रिकरेंट होते हैं सो देर वुड बी एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का There would be public-private relations ke issues waje. There would be certain thing about corruption.
sexual harassment at workplace, there would be something about pollution, या उस type का, या secrecy versus transparency वाला वगैरह, इस type के कुछ dilemmas common रहेंगे. So at least you will have an idea of how to go about when these dilemmas. So एक तो ये हो गया. Second, अभी ऐसा हो गया है कि इस बार का अगर आप पेपर देखोगे तो उन्होंने 5-5 सब पार्ट्स पूछ लिए, तो यहाँ पे आप वो स्टेक होल्डर अप्रोच और वो सब नहीं लिख सकते. जब तक एक्सप्लिसिटली पूछा नहीं है, देयर इज नो नीड फॉर गोइंग फॉर दैट. सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एज वेल. बहुत बार एथिक्स के केस स्टडीज में लोगों ने एक टेम्पलेट बना देते और 6 के 6 बार वही टेम्पलेट यूज करते, वो भी नहीं करना. सो यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मेरे को इसको टैकल करना है और ऑन द स्पॉट आपको वो आंसर बनाना पड़ेगा. माय थिंग फॉर केस स्टडीज वाज कि आई यूज्ड टू बी एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल, कि आई एम इन दैट इन दोज शूज एंड आई वांट टू सॉल्व दिस इशू. सो मेरे इसमें प्रैक्टिकलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये मैक्सिमम रहता था कि मैं इसको सबसे ज्यादा फोकस करता था. अभी अगर मैं से कोई सोल्यूशन दे रहा हूँ, देन मैं ट्राई करता था कि उस सोल्यूशन को किसी एथिकल वैल्यू से या एथिकल थियोरी से लिंक कर. कि अगर मैं से किसी से आई एम फोकसिंग ऑन कि किसी के राइट्स हर्ट ना हो, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, तो आई विल राइट कि इट इज एज पर द फंडामेंटल राइट्स और इट इज द राइट्स बेस्ड अप्रोच. से अगर मैं देख रहा हूँ कि सबका भला हो, तो मैं बोलूंगा कि दिस इज एज पर द यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल और दिस इज अ कॉमन गुड अप्रोच और पब्लिक गुड अप्रोच. तो मैं इस तरीके से उसको लिंक करने को देखता था. सो आप वैसे कर सकते हो. सो ट्राई टू ब्रिंग दोज सॉल्यूशंस एंड देन ट्राई टू लिंक दोज सॉल्यूशंस टू द एथिकल थियोरीज और द वैल्यूज और द फिलोसोफर्स. अभी कभी आपसे मिडिल पाथ ले रहे हो, तो आप कभी उसको बुद्धा का मध्यम मार्ग बोल दो, कभी उसको एरिस्टोटल का गोल्डन मीन बोल दो. बोला दोनों ने सेम है, बट आपके वो दो अलग पॉइंट्स, तो उस वे में आप कर सकते हो. So for mains, वो 3 महीने में जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, that would be the most important. और वहाँ पे जो annual compilations आ रहे हैं, you can refer to those. It's enough. For prelims, around 1-1.5 साल के करंट अफेयर्स आपको कवर करने पड़ जाएंगे. So for जून के लिए पकड़ लो आपका Jan 2023 से. So Jan 2022 से for June 2023 उतना ही है. बट वो कि सिर्फ करंट में देखो, उस करंट का एक तो स्टार्टिंग बेस भी देखो, एट द सेम टाइम जो भी आप थोड़ा हो उसको गूगल करके एक स्टेप आगे जाने को, कि जो भी करंट अफेयर्स का ये होता है सोर्सेस, एक जो मेजॉरिटी चंक ऑफ द क्राउड रहेगा वो उसको आधा अधूरा पड़ेगा. देन देयर वुड बी अ सेक्शन ऑफ दोस जो उसको ढंग से पढ़ेंगे, पूरे इसको पढ़ेंगे, बट दे विल जस्ट पैसिवली रीड इट अप. देन कुछ होंगे जो एक्टिवली उसको सोच समझ के पढ़ेंगे, एंड उसके ऊपर वाले होंगे कि जो उसको समझ के दे विल ट्राई टू ब्रिंग आउट कि हाँ इसमें ये मिसिंग है, ये भी मैं लिख देता हूँ. आप ये हर टॉपिक के लिए नहीं करोगे, बट जो आपको से किसी एक सब्जेक्ट में ये मेरे को लग रहा है कि ये 10 टॉपिक्स तो इम्पोर्टेंट है, उस 10 टॉपिक्स के लिए आप करोगे तो यू विल हैव सर्टेन एक्सेस इन्फॉर्मेशन और वो एक्सेस कॉन्फिडेंस देगा. तो ये आपको करना है. यू हैव टू बी इन दिस एग्जाम टू बी एज एन एक्टिव अप्रोच जितना आप कर सकते, कि लेक्चर बैठना, सिर्फ बुक पढ़ना ये आसान काम है, बट आप उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट इन द आंसर, हाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज, हाउ इज इट लिंक्ड टू द सिलेबस. आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप देखो कि ये टॉपिक सिलेबस के कौन से पार्ट में यूज हो सकता है, या सिलेबस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकता है. आप जैसे ही उस चीज को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दोगे, आपको उसका आंसर के लिए 5 इश्यूज ऑटोमेटिकली आप ढूंढ दोगे कि इसमें ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे. अगर ये आर्टिकल पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऑटोमेटिकली ढूंढोगे कि इसमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आप सिर्फ उसको पढ़ रहे हो. सो ऑलवेज मेक श्योर यू आर हैविंग दैट एक्टिव वाइज अप्रोच. और वो डिफिकल्ट है, वो आसान नहीं है वो करना. Both. And in some newspaper, when I'm reading, there are certain topics which are, you can say, very trending and very in. Like, again, static also, they are very connected. So those particular topics, if I just thought of, for example, like the data protection. So data protection, if I just thought of, make one note of it in my state, and I, you know, write everything I take. If I go to the Google, this thing, I write everything about data protection, you know, 2021, 2022,
Now, but tomorrow again, if an article comes. इट इज नॉट नेसेसरी. सो आप जब भी नोट्स बना रहे हो, सो व्हाट ही इज आस्किंग इज डन. सो व्हाट ही इज आस्किंग इज कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे चीज रिपीट होते रहते हैं, सेम ही चीज पे अपडेट्स आते रहते हैं. सो डू आई नीड टू मेक नोट्स एवरी डे? सो नो, यू हैव टू मेक योर नोट्स एज पर द टॉपिक. अभी एक क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम 150 words, 150 words to 250 words. वर्थ ही नहीं, मतलब आपको ना याद कर पाओगे ना देख पाओगे. अगर याद रहा तो भी आप देख नहीं पाओगे. वॉट यू कैन डू इज कि अगर कुछ अपडेट हो रहा है, कुछ नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जैसे कि अमेंडमेंट हो गया, देन दैट इज इम्पोर्टेंट, तो वो आपको लिखना पड़ेगा. मे बी यू आर गेटिंग अ बेटर पॉइंट, तो आप एक पॉइंट को निकाल के दूसरा पॉइंट डाल सकते हो, या देन उस पॉइंट को आपने ऊपर डाल दिया. कि अगर से आपके पास पहले 15 पॉइंट थे, अब आपको लग रहा है नहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी नॉट सेकेंड या थर्ड लेवल पे नहीं बट फोर्थ लेवल पे तो होना चाहिए, तो आपने उसको फोर्थ बना दिया और 16 पॉइंट हो गया. तो अब 16 पॉइंट ठीक है, बट जब आपके वो 20-22 पॉइंट हो जाएंगे, देन आप दो चार पॉइंट को हटा भी सकते हो. तो उस वे में आप उसको प्रायोरिटी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी इज कि मे बी आपको कुछ बेटर सब्सटेंशिएशन मिल गया उस पॉइंट का, तो आपको एक पॉइंट का आप एक ही सब्सटेंशिएशन दोगे. आप ये तो नहीं करोगे कि एक पॉइंट में आपने उसी पॉइंट का एग्जांपल भी दे दिया, डेटा भी दे दिया, एक्सपर्ट का ओपिनियन भी दे दिया. कुछ फायदा ही नहीं है उसका, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग मल्टीपल पॉइंट्स या मल्टी डिमेंशनलिटी नहीं है. सो अपने आपको लग रहा है कि जो नया सब्सटेंशिएशन है वो बेटर है, तो आप पुराना सब्सटेंशिएशन हटा दो, नया वाला ये कर दो. जैसे आपके पास किसी चीज के लिए रैंडम किसी एनजीओ का डेटा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है, और कल को उसी चीज के ऊपर वर्ल्ड बैंक कुछ डेटा दे रहा है या यूएन कुछ डेटा दे रहा है, तो एनी टाइम्स यूएन या वर्ल्ड बैंक का डेटा ज्यादा अच्छा है, तो आप उसको हटा दोगे और यूएन का डेटा रख दोगे. सो इस वे में आपको अपडेट कर, हर चीज ऐड करते हुए जाने में कोई सेंस नहीं. क्या प्रिज्म्स के साथ एक सेपरेट सेशन होती, तो उसमें फिर डिटेल में हाउ मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरे क्या लर्निंग्स थे. बिकॉज इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रिज्म्स, एंड देन मैंने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया था. सो व्हाट चेंजेस आई मेड वगैरह, तो वो एक प्रॉपर, क्योंकि इसमें टाइम जाए. सो ये दो तीन चीज बताने जैसा है, इट्स अ प्रोसेस, उसके ऊपर आई देखो. सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर टाइम मैनेजमेंट, your main aim should be achieving the targets. It should not be ki meko 5 ghanta padhna hai ya 10 ghanta padhna hai ya 15 ghanta padhna hai ya 25 ghanta padhna hai, ye nahi hona chahiye. So first you have to bring down those targets ki is week mein ya is month mein ya is din mein hi meko ye ye targets achieve karne hai. So pehle to ye figure out kar lo. Second, those targets need to be doable, wo manageable hone chahiye. Matlab agar aap 4 ghanta पढ़ सकते हो, तो आप 4 घंटे में होने वाले ही टारगेट्स रखो. जिन टारगेट्स को 8 घंटा लगेगा वो मत रखो, मे बी 5 घंटा लगेगा वैसे आप रख सकते हो. तो आपका 60-70-80% तक भी टारगेट्स अचीव हुए इज अ गुड, बट आपके सिर्फ 20-30% टारगेट्स अचीव हो रहे, तो आप ही वो एक नेगेटिव साइकिल में जाओ. सो पहले तो टारगेट्स बनाओ, वो टारगेट्स को अचीवेबल रखो. ओके, इसके बाद उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना टाइम डिवोट कर सकते हो, जितना टाइम आपके पास रियलिस्टिकली है उसमें आप कैसे कर सकते हो. अभी ये हो गया, देन व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू हैव फिक्स्ड स्लॉट्स, कि एटलीस्ट आपके पास दिन में एक दो तो स्लॉट्स होने चाहिए कि यहाँ पे तो मेरे को पढ़ना ही. फिर उस आपके कंफर्ट के हिसाब से सुबह का हो सकता है, रात का हो सकता है, बट हाँ वो 2-3 घंटे जो भी रहेंगे वो एक स्लॉट या 2 स्लॉट होंगे, वहां पे आप और कुछ नहीं करोगे. वहां पे आप क्या पढ़ रहे हो ये भी आपका पहले से प्लान है. आप ये नहीं कर रहे हो कि वो 2 घंटे जब है उसे 6-8 पढ़ना है, आप 6 बजे को डिसाइड करो कि आज ये पढ़ना है या वो पढ़ना है, और आधा घंटा वो डिसीजन में ही चला गया. ये नहीं करना, आपका 6-8 पढ़ना है, मतलब वहां पे सिर्फ पढ़ना. देन वहां पे आप ट्राई करो कि कुछ भी स्मार्टफोन या डिजिटल चीजें ना हो. आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो एयरप्लेन मोड पे डालो, मतलब डिस्ट्रैक्शन मत होने दो. वो आपका जो पढ़ाई का टाइम है वो पढ़ाई का ही टाइम. वहां पे फिर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को तो सिर्फ गूगल करके कुछ पढ़ना था, और गूगल के पढ़ते पढ़ते 4 रील देख दिए, तो ये नहीं करना है. सो उसके बाद एक लिस्ट बना दो कि हाँ ये चीजें मेरे को गूगल करके
जैसे आपका सेम लास्ट का आधा घंटा है, लास्ट का 15 मिनट है, उसमें फिर आपको देखते हैं। तो ये करके आपके स्लॉट जैसे जैसे बनते जाएंगे पढ़ाई बढ़ती जाएगी, बट अगर आप उसको फ्लेक्सीबल रखोगे, हाँ जब मन किया तब पढ़ूंगा, तो उससे नहीं होगा। सो इस वे में आप टारगेट कर सकते हो। वो इम्पोर्टेंट। सो एनसीईआरटी अभी देखो, कुछ एनसीईआरटीज है जैसे कि आपके ज्योग्राफी की एनसीईआरटी या 12th की मैक्रो इकोनॉमी की एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी जो है ये सोर्स मटेरियल ही, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। बट अभी 6th की एनसीईआरटी होगी, 7th की एनसीईआरटी होगी, ये आपके समझने के लिए, तो ये आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको वो टॉपिक्स क्लियर है तो यू कैन स्किप इट आउट। इट वॉज जस्ट टू गेट यू दैट इंट्रोडक्शन। सो अभी आप लोग फाउंडेशन में नहीं हो, आप लोग 23 में अटेम्प्ट दे रहे हो, सो डोंट गो फॉर एनसीईआरटी। अगर आपने पढ़ी हुई है, हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उसको 2 घंटा दो, 2 घंटे में जितना है इम्पोर्टेंट उतना बस देख ले, उससे ज्यादा देने के लिए जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम तो इम्पोर्टेंट है, स्पेक्ट्रम कर तमिलनाडु की एनसीईआरटी जो है दैट इज अ सोर्स मटेरियल, सो वो तो आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ वो फॉर स्पेक्ट्रम, तमिलनाडु एनसीईआरटी की स्पेक्ट्रम इज इट। और कोई भी सोर्स मटेरियल देने के लिए एक ही ये है, किससे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, जिस चीज से आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं वो आपको देना। इवन वो जो 2025 ईयर वाला बुक आता है, प्रीवियस ईयर वाला, हाँ हाँ, तो वो वाले स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका जो जो टॉपिक्स चालू हो गए हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप देख सकते हो। क्लियर नहीं होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं, सो इट डिपेंड्स कि आपको क्या रिवीजन का सोर्स है। इफ यू फील इट इज हेल्पिंग यू, यू कैन गो फॉर इट। इफ यू आर प्रीटी लाइक ऑल एनसीईआरटीज का कॉम्बिनेशन अपने एक बार पढ़ जाए तो आप उसको बाद में वापस रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। जिन्होंने नहीं किया है उनके ऊपर वो क्या हो जाएगा। इसमें मेन वही कि क्या चीजों से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड। सर, मेन थिंग इज टू जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस एंड टू बिल्ड द प्रोसेस एंड एग्जैक्टली यू कैन से दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई गॉट डिरेल्ड आल्सो, बट आप अगर सिर्फ आउटकम्स पे फोकस करोगे कि हां इस टेस्ट में इतने मार्क्स चाहिए अपने चाहिए, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। You have to make sure क्योंकि आपका प्रोसेस क्या है, आप क्या चीजें करने वाले, देन बेस्ड ऑन दोज मार्क्स अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा ये प्रोसेस में मेरे को कुछ चेंज करना है तो बात आ जाएगी, बट इट शुड बी आफ्टर अ सस्टेन्ड एफर्ट कि हाँ मेरे को आपने 2-3 टेस्ट में देखा कि हाँ यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक, देन यू कैन चेंज इट, बट अदरवाइज जो आपने प्रोसेस बनाया वो इम्पोर्टेंट। कि इट डजंट मैटर सर, आपको आपने यूपीएससी के PYQs का एनालिसिस कर दी और आपको पता है कि मेरे को ये टाइप से सॉल्व करना है, उसके बाद आपके रैंडम टेस्ट सीरीज में कितने भी मार्क्स आने थे क्या फर्क पड़े। इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मेरे को जो अप्रोच चाहिए यूपीएससी में सॉल्व करने के लिए अगर वो बैठ रहा है, क्योंकि कितने तो टेस्ट में मेरे भी 70 मार्क्स आ जाते थे और यूपीएससी में जाके 120 आ रहे थे, सो वाई शुड आई चेंज माई, क्योंकि आपको उन टेस्ट सीरीज में टॉप नहीं करना है, आपको यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना है। सो योर अप्रोच शुड बी एज डिमांडेड बाई यूपीएससी, नॉट बाई सम टेस्ट सीरीज और एनीथिंग। Anyone else? So, option can also specific optional wise ही होंगे, but what I can say general कि what is important, एक तो optional में predictability ज्यादा होती है क्योंकि questions के themes repeat होते हैं in optional। GS में बहुत multi dimensionality आ जाती है, so आपके जो important themes है ये हर option में similar होने वाले, so उन themes के तो आपके पास notes रहने चाहिए। Second, optional में depth की आपको जरूरत पड़ेगी, सो आपको वो डेप्थ का अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो भी ऑप्शनल होगा उस ऑप्शनल की कुछ वोकैबुलरी होगी, कुछ उसके थिंकर्स होंगे, तो उनके जो पॉइंट्स है वो आने चाहिए। सो ये 3-4 चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए फॉर एनी ऑप्शनल, बाकी फिर आपको आपके स्पेसिफिक ऑप्शनल के हिसाब से वो नोट्स बनाने पड़े। वो तो होने वाला है, मतलब बिकॉज आप
2-3 साल से पढ़ रहे हो और वो आपको जाके फिर एंड में 3 घंटे में लिखना है या लास्ट के 20 दिन में रिवाइज करना, सो इट्स नेवर गोइंग टू बी ईजी. सो वॉट इज इम्पोर्टेंट हियर इज टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या पढ़ना है वहां पे. आप अगर से हेलो से आपका 28 मई को प्रीलिम्स है, आप अगर 10 मई को सोचोगे कि मैं को क्या पढ़ना है तो आप उस प्रेशर में नहीं पढ़ पाओगे. आपको 10 मई से 28 मई या 10 मई से 25 मई क्या पढ़ना है ये आपको एटलीस्ट 10 अप्रैल को डिसाइड करना पड़ेगा. सो आपको वहीं पे नोट्स बनाने या वहीं से आपको ट्राई करना पड़ेगा कि मेरे को ये चीजें पढ़नी. सेकेंड, आपको वहां पे प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी कि वहां पे आपको 10 दिन या 15 दिन में 5-6 टॉपिक्स करते हैं. आपने मे बी आपको पॉलिटी फर्स्ट टाइम पढ़ने को 1 महीना गया होगा, वहां पे आपको पॉलिटी 3 दिन में रिवाइज करना, हिस्ट्री 2 दिन में रिवाइज करना. सो उसके लिए फिर आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि आप पॉलिटी में क्या क्या चीजें किस ऑर्डर में पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास दिन उतने ही है. तो अगर लास्ट के आपके कुछ चीजें छूट गए तो चल जाएंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो इम्पोर्टेंट नहीं हो पहले पढ़ ली. सो आप लक्ष्मीकांत अगर रिवाइज कर रहे हो तो आप वो चैप्टर वाइज नहीं रिवाइज कर सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना पार्लियामेंट के चैप्टर का. तो आपको पार्लियामेंट के चैप्टर पहले रिवाइज करना चाहिए. सो वो इम्पोर्टेंट कि आप क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे. अगर ये आपका फिक्स रहेगा तो आपका लास्ट में रिविजन इजीली हो जाएगा. फिर वो आपके ऊपर है कि आपको बुक से ही रिवाइज करना है या नोट्स बनाना. अगर आपको बुक से रिवाइज करना है तो आपने सिर्फ देख लिया कि हाँ मेरे को लक्ष्मीकांत का पेज नंबर दिस टू दिस पढ़ना है या ये टॉपिक्स पढ़ने, तो आप वैसे पढ़ सकते हो. कुछ लोगों का रहता है कि वो उनको वो बहुत ऐसा ओवरवेलमिंग हो जाता है, अरे ये छूट रहा है ये छूट रहा है. सो उस कंटेक्स्ट में फिर आप नोट्स बना दो कि हाँ जितना आपको पढ़ना है उतना आपने अलग से नोट्स बना. तो थोड़ा डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है बट उस वे में भी आप कर सकते. इट इज अप टू यू. बट द टू मेन थिंग्स व्हिच आई थिंक आर इम्पोर्टेंट फॉर लास्ट मिनट रिवीजन इज टू नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. नो मोर डाउट्स. आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. या ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम. या एंड आई होप यू गाइस आर हियर द नेक्स्ट टाइम टू गाइड other candidates coming. Okay, thank you. All the best. Thank you so much. So your process really shows, like even when you are talking and sort of sharing your experience, it really shows. Try and error, see, but it's not that. So I shouldn't get too bogged down that no. First two didn't happen and this one. It happened. Even in my first attempt, I was not able to get it. My second and third attempt, I went to the interview stage, but I was not able. Even after two attempts, the love for studying the same material hasn't gone. I'm still